ठीक है, सर्कल दिख रहा है सबको? ऐसे ठीक है, सर्कल के रेडियस आर है और एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास एम है और स्पीड हमारी वी है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो पहली बात मेरे दिमाग में बेसिक बात हमेशा आती है, सेंटीमीटर। ठीक है ना? ऐसे ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें याद रहे। इसके दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाई आर और दूसरा फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पहला Yes. फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर है, दूसरा फॉर्मूला हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर हमारी क्या है? रेडियस। ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड, राइट? यस क्या ओमेगा के तीन फॉर्मूले हैं ऐसे? डी थीटा बाई डी टी, सेकेंड यस है 2 पाई एफ, थर्ड है 2 पाई बाई टी। ठीक है, यस ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी। ओमेगा की यूनिट क्या है? रेडियन रेडियन पर पर सेकेंड। सेकंड अब वी और ओमेगा में एक रिलेशन है वेक्टर फॉर्म में, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, राइट? यस ठीक है, इसके लिए मैं इसको हम क्या कह सकते हैं? वी इक्वल टू ओमेगा आर। बट मैं चाहता हूँ कौन सी फॉर्म पता होनी चाहिए? वेक्टर बेकरी फॉर्म, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सर्कल में हमेशा एक एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड सेंटर, राइट? यस ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? स्पीड क्या है? कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिएबल। वेरिएबल ठीक है, यस और जो एक्सेलेरेशन है टूवर्ड सेंटर उसका नाम क्या है? सेंटीमीटर सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर और आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा सही है? ठीक यस है, क्या आर ओमेगा स्क्वायर को आर ओमेगा इंटू ओमेगा कह सकता हूँ? यस और आर ओमेगा मेरा क्या है? वी। तो क्या एक फॉर्मूला और बन गया? ए सी इक्वल टू बी ओमेगा। यस ठीक है, यस यस सर, आई होप समझ में आ गया। ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, आर ओमेगा स्क्वायर एंड वी ओमेगा। ठीक है, ध्यान रखना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो जीरो। इसका मतलब स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, यस ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं। सब लोग ध्यान दो, पॉइंट ए पर स्पीड कितनी है? ए। थीटा एंगल पे पॉइंट बी है, ठीक है, यहां पे भी स्पीड कितनी है? वी। तो अगर मैं पूछू चेंज इन स्पीड तो क्या आंसर जीरो हो जाएगा? यस अगर मैं पूछू चेंज इन वेलोसिटी तब क्या लिखूंगी? बी वायरस तब क्या ऐसा लगेंगे? V2 या V final माइनस V initial?
अगर मैं बोलता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सब क्या लिखेंगे? जीरो। तब जीरो नहीं लिखेंगे। एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और एक होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं बोलता चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तब आंसर क्या आता? जीरो। मैंने पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब मैं निकालना चाह रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। बताया सब हम लोग, क्या हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर्स में? यस सर। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर एंगल थीटा है V2 और V1 के बीच में? यस सर। तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा? क्या टू वी स्क्वायर कॉमन है? यस सर। ठीक है, कॉस थीटा को क्या पुट कर दो? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भाई, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा? क्या टू वी साइन थीटा बाई टू आ रहा है? यस सर। लॉजिकल लगा? यस सर। ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही थी या कांस्टेंट थी? कांस्टेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म में दो पॉसिबिलिटी है, केस वन स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। सेंटीपेटल एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है? यस सर। यस। वेलोसिटी दिख रही है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? यस सर। सही है? Yes, sir. तो क्या यहाँ पर दो एक्सेलरेशन होंगे, एक सेंटीपिटल और एक टेंजेंशियल? Yes, sir. इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नेट एक्सेलरेशन। तो क्या नेट एक्सेलरेशन होगा? अंडर रूट ए सी होल स्क्वायर प्लस एटी होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है ना? एसी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है?
वी स्क्वायर बाय आर और आर ओमेगा, सही है? यस ठीक है। एटी का फॉर्मूला होता है अल्फा क्रॉस आर, एटी का फॉर्मूला है अल्फा क्रॉस आर। अल्फा को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? यस। अल्फा का नाम हमारा कौन है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एटी कौन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या यह कुछ एंगल बना रहा है नेट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल के साथ? थीटा बोल दो। यस सर। टैन थीटा किसके इक्वल होगा? एसी अपॉन एटी, ठीक है? यस। अगर नेट एक्सेलरेशन का एंगल मैं निकालना चाहता हूँ वेलोसिटी के साथ, तो कैसे निकालूंगा? 180 माइनस थीटा। बीटा किसके बीच में एंगल है? वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन। और थीटा किसके बीच का एंगल है? नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बीटा हमारा नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सही है? यस सर। आई होप ये समझ में आ गया सबको। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो केस बनेंगे। तो पहला केस मैंने क्या बनाया? स्पीड इज डिक्रीजिंग। सेकंड केस होगा, अगर फर्स्ट केस क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। सेकंड केस है स्पीड इज इंक्रीजिंग, सबको दिख रहा है सेंटीपेटल एक्सेलरेशन किधर है? यस। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है इस बात का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हमारा कौन है एक्सेलरेशन? कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा क्या उसको मैं कह सकता हूँ पाइथागोरस से अंडर रूट एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर? Yes, ठीक है ना? Yes, tan थीटा किसके इक्वल होगा? 80 बाई AC। और थीटा में किसके बीच का एंगल ले रहा हूं? एंड AC। अगर मुझे बीटा निकालना है तो क्या करूंगा? 90 माइनस ऐसा भी कर सकते हैं क्या? टेन बीटा इज एसी बाई 80। यस सर। ठीक है, दोनों तरीके से। ये बात लॉजिकल लगी? यस सर। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कॉनिकल पेंडुलम का कुछ आइडिया है? कॉनिकल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम होता है, एक कॉनिकल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम सीधा सीधा चलता है क्या ऐसे स्विंग जैसा? यस सर। और कॉनिकल पेंडुलम सर्कल में चलता है। विजुलाइज हो पा रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ऐसा कुछ।
ठीक है यस सर। ठीक है ध्यान से देखना, जो हमने रोप यूज करी उसकी लेंथ कितनी है एल, जो स्टोन है उस स्टोन का मास कितना है एम, तो वेट कितना होगा एम जी। ठीक है तो मैं चाहता हूं तुम लोग क्या निकालने की कोशिश करो, टाइम पीरियड ऑफ कॉन्कल पेंडुलम। कितना है बेटा कोई आइडिया चाहिए तो मैं आइडिया दूं, क्या रोप में टेंशन होगी टेंशन का कंपाउंड निकाल दिया टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा सही है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें वो सर्कल दिख रहा है? यस सर। ठीक है सर्कल की रेडियस कितनी है स्मॉल आर, टी साइन थीटा किस तरफ लग रहा है सेंटर की तरफ, तो क्या उसको मैं बोल सकता हूँ एमवी स्क्वायर बाई आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर, और टी कॉस थीटा क्या काम कर रहा है एमजी, एमजी को बैलेंस कर रहा है, डिवाइड करने से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा यस सर। ठीक है मास भी कैंसिल आउट हो गया, टेंशन कट गया मास कट गया। अब मैं जानना चाह रहा हूँ क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया हुआ या नहीं दिया हुआ,
ये हमने इसमें और बाद में यूज करा है, बाद में यूज करा है। तो क्या मैं स्मॉल आर को रिप्लेस कर सकता हूँ एल साइन थीटा से? यस सर। ये हमें क्वेश्चन में क्या देगा? लेंथ ऑफ रूफ देगा, रेडियस नहीं देगा। तो क्या साइन थीटा साइन थीटा कट गया? यस सर। जी भाई एल कॉस थीटा का अंडर रूट कितना आ गया? ओमेगा। ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? टू पाई बाय टी। तो टी कितना आ गया? टू पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा हो जी। बस ये आंसर आ गया। टी इज इक्वल टू पाई रूट एल कॉस थीटा बाई जी। ठीक है। अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या मैं एल कॉस थीटा कुछ कह सकता हूँ? एल कॉस थीटा कहीं एच तो नहीं है हाइट? यस सर। ऐसे भी कह सकते हैं टी इक्वल टू पाई रूट एच बाई जी। ठीक है। यस सर। देख लो सब समझ में आ रहा आई होप समझ में आ गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यस। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? देखो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ आइडिया क्या करना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेसिक आइडिया ये है कि जब भी सर्कल आता है मेरे दिमाग में क्या आइडिया आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बस तो कोशिश हम करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ कार ड्राइवर मस्ट ड्राइव must traverse a flat curve of radius 15 meter and coefficient of friction this to avoid skidding. तो हम चाहते हैं जब सर्कल में मूव करे तो स्किड हो या ना हो? ना हो। ना हो। इसका मतलब जो हमारा फोर्स है क्या वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यस। ठीक बात है। यस। और सर्कल में हमें फोर्स के दो ही फॉर्मूले बताएं, कौन कौन से? mv स्क्वायर बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर, राइट? यस। और फ्रिक्शन का मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, म्यू एस एन। तो अब देखो इससे कुछ बात बनती है।
कॉपी में लिखू, एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एम वी स्क्वायर बाई आर, और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया फ्रिक्शन का म्यू एस एल। अब क्या इसको कुछ करने, इक्वल करने से कुछ बात बन रही है? कार ऑन फ्लैट सर्कुलर रोड, तो मैं चाहता हूं इनके फॉर्मूले लर्न करो या बेसिक बात समझो कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक बस देखो, मेरे दिमाग में चल रहा है कार अगर ऐसे चलती है तो क्या उससे फ्रिक्शन टुवर्ड सेंटर लगता है? तो मैंने बोला फ्रिक्शन का फॉर्मूला में क्या पता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का म्यू एस है, सही है? और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या पता है हमें, एम वी स्क्वायर बाई आर। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। इसका मतलब मैं चाहता हूँ एम वी स्क्वायर बाई आर को किसके इक्वल डाल दूँ, और एन को क्या मैं एम जी कह सकता हूँ फ्लैट रोड पे? क्या एम से एम कैंसिल हो गया? फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू एस आर जी। और ये हमारी कौन सी स्पीड है, मैक्सिमम। इसका मतलब इसे धीमा चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इसे तेज स्पीड चल रहे हैं तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना? यस। बेसिक बात क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके इक्वल डालना है, फ्रिक्शन। बस वैसे देखें इससे क्वेश्चन बनता है, आंसर हो जाएगा। हो गया। 30 मीटर पर सेकंड। 30 आ रहा है। यस। बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देखो। Which statement is false for a particle moving in a circle with constant angular speed? B false. B. Acceleration vector is tangent. अगर constant speed से चल रहा है तो मैंने क्या बताया था, देखो tangential acceleration. तब tangential होगा या नहीं? नहीं होगा ही नहीं, सही बात है। Yes. Velocity vector क्या हमेशा tangential होगा? Yes, sir. Yes. तो first statement तो सही है। Third statement, acceleration vector points to the center of circle. सही। ये statement भी सही क्यों हो गया? क्योंकि centripetal. क्योंकि tangential है नहीं, सिर्फ centripetal ही तो है। Yes, sir. और fourth क्या है, velocity and नेट एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैं नेट क्यों डाल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस। क्योंकि वो भी सेंटर ही है। हाँ, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म होगा तो बदल जाएगा। यस सर। सही बात है। यस सर। तो मैं क्वेश्चन और बनाता हूँ। Which statement is false for a particle moving in circle with variable angular speed? ठीक है? या increasing rate बताओ। अगर increasing angular speed है, तो क्या यहाँ पर centripetal और tangential दोनों होंगे? Yes sir.
आप बताओ क्या लगता है? सी गलत है। यस सी। और डी भी सर। हमसे फॉल्स पूछा है ना। सी और डी। आप क्या लगता है? सेकंड ऑप्शन मैंने बना दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, राइट? यस सर। थर्ड का नेट एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर, गलत है? यस सर। अगर यहां मैं नेट की जगह लिख दूं सेंटीमीटर, तो क्या सी भी करेक्ट हो गया? यस यस सर। डी गलत है। अब डी रॉन्ग हो जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देखो, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर, पहले ये बताओ क्या हमें x की मैंने? Yes sir। Yes sir। ठीक है, अगर मुझे velocity चाहिए तो क्या करूँ? Differentiate करो। कितनी velocity आ गई? 3t square आ गई? Yes sir। Yes sir। क्या क्वेश्चन में radius की मैंने? 20 meter। Yes sir। आप क्वेश्चन में पूछा एक्सेलरेशन ऑफ पी, कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल सेंटीपिटल, कौन सा? नेट सर, दोनों में सर। नेट एक्सेलरेशन। बताओ भाई, सेंटीपिटल कर दो। चलो, सेंटीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो उन्होंने वी कितना निकाला? 3t square। और आर कितना था? 20। तो आंसर आया जी, कौन सा आंसर आया? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? नहीं सर। क्या बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फोर जैसा फाइव है? यस सर। उसको ट्राई करूं। सर अप्रोक्सीमेटली 12 आ रहे हैं, गलत है भाई। हमने एक बार डिफरेंशिएट करा, वेलोसिटी आ गई 3t square, फिर से डिफरेंशिएट करूं 60 और t डाल दूं 12। बढ़िया, सही है। टेस्ट वाला देख लेते हैं। यस, आई होप लॉजिकल लगा। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
इस पार्ट में क्या पूछा, सिक्स पार्ट में क्या पूछा है? नेट एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन बोला, कुछ नहीं बोला, मतलब नेट है वो। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर? यस सर। यस सर। कितना आ जाएगा? 7.2 का स्क्वायर प्लस 144। करो तो कितना आता है? 13.99 आ गया सर। 14 स्क्वायर 196, नहीं सर 12 स्क्वायर 144 प्लस 1.2 का स्क्वायर 50 मान ले। हाँ बेटा मुझे डी लग रहा है, 196 के आसपास आ गया होगा अंडर रूट में। यस बहुत बढ़िया, ट्राई करो बेटा, ट्राई करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, इन क्लासेस का एम ही यही है। मैं जैसे कहता नहीं हूँ कि रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास सेम बात है, अलग बात है, अलग बात है सर, बहुत फर्क है। जो तुम क्लास में भी बैठ के सोच रहे हो वही सबसे मेन बात है। जो डाउट है मुझसे तुरंत पूछ लूं और मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देता जाता हूं क्या? यस सर। और देखो क्या मैंने तुम्हारी क्लैरिटी के लिए तीन क्वेश्चन बना दिए एक ही क्वेश्चन से? यस सर। तो उसका फायदा उठाओ बेटा, खूब फायदा उठाओ, और जहां डाउट हो बोलो कि मेरे को ये चीज नहीं समझ में आई क्या बता रहे हो, दोबारा बता दूंगा या कुछ किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 बता सकते हैं 7 से पहले? एट और नाइन इजी है, देन सेवन डिस्कस करते हैं। और मुझे लगता है जो मैंने लिंक भेजा हुआ था ना मीटिंग का बेटा, वो दोबारा काम कर जाएगा, तो बाबा लिंक भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा उसे ज्वाइन कर लेना ठीक है। कोई आइडिया है किसी को एट या नाइन्थ में क्या करना है? yes, sir. Sir, speed तो सेम ही रहेगी स्पीड पता नहीं सेम होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन में तो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन।